हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आपको पता है डेली बेसिस पे हम आपको करंट अफेयर की वीडियो और डेली जीके प्रैक्टिस सेट की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं आपको करंट अफेयर भी करा रहा हूँ और ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मिल रहे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। आगे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, हीरोडोट्स, एनैक्सिमेंडर, हिकेटिक्स या इराथोस्थिनीज। फर्स्ट का सही आंसर क्या रहेगा आपका? भूगोल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हिकेटिक्स इसका सही आंसर रहेगा, हिकेटियस। ठीक है, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। सेकंड क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? जो ज्योग्राफी है उसके अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया गया। नहीं तो ज्योग्राफी एक जनरल जीके थी तो उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी को एक पार्ट दिया, जैसे कि पॉलिटिक पार्ट है, इकोनॉमी के पार्ट है, तो ज्योग्राफी भी अपने आप में एक अलग पार्ट है। तो इसका अध्ययन किसने किया? इराथोस्थिनीज ने, हिप्पाकस ने, हिकेटियस ने या हेरोडोट्स ने। सेकेंड का सही आंसर रहेगा आपका ए, इराथोस्थिनीज ने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, थर्ड का सही आंसर क्या रहेगा आपका? बी, इराथोस्थिनीज ने किया ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग। फोर्थ क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात किसने कही थी? टॉलमी, कांट, टेलर, वॉरेनियस। फोर्थ का सही आंसर रहेगा आपका डी, वॉरेनियस ने ये बात कही थी। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये बात किसने कही थी? टॉलमी, वॉरेनियस, कांट एंड हम्बोल्ट। पांचवा सही आंसर रहेगा आपका सी, कांट ने की थी ये बात। सिक्स क्वेश्चन, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? जिसकी नवनियति विचारधारा का, जल्दी बताइए उत्तर। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, सत्य का सही आंसर रहेगा आपका बी, ग्रिफिथ टेलर ने कही। सातवां क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया, किस माना जाता है, ये गलत लिखा है, किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? पैसेल, डेविस, पैंक या हंटन। सातवें का सही आंसर रहेगा आपका ए, पैसेल को, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? मतलब क्या, रुको और जाओ नियतिवाद वाला की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? आठवें का सही आंसर रहेगा आपका सी, ग्रिफिथ टेलर। नौवां प्रश्न आपके सामने, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? मतलब ज्योग्राफी को मानव पारिस्थितिकी के अंदर लाने वाला, विडाल, जीन, हेटनर या एच एन बेरोज। नौवें का सही आंसर रहेगा आपका डी, एच एच बेरोज। दसवां प्रश्न, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? किसकी बात हो रही है? गणितीय मैथमेटिक ज्योग्राफी, थेल्स, टॉलमी, स्टर्बो, थियोफ्रंट। दसवें का सही आंसर रहेगा आपका ए, थेल्स। आज हम ऐसे स्टेटी जीके करा रहे हैं उस जीके ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी का बेस है, ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो उस पर डिपेंडेंट है ये टॉप 20 क्वेश्चन। अच्छे से इस वीडियो को प्लीज़ दो तीन बार देख लेना, आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा, आपको याद हो जाएंगी चीज़। क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, बात बिल्कुल सही है, अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये भी बिल्कुल सही है। किसने कही ये बात, ये है सवाल। सैंपल, जीन, ब्लॉस, फेब्रे। 11वें का सही आंसर रहेगा आपका बी, जीन ब्रूंस ने ये बात कही। 12वां प्रश्न, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? जल्दी बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिखा दे रहे हैं, किस क्या बात हो रही है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता। तो 12वें का सही आंसर रहेगा आपका सी, कार्ल रिटर को।
13वां प्रश्न, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव मानव मतलब मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? 13वां का सही आंसर आएगा आपका बी, कार्ल ट्विटर को। 14वां प्रश्न आपके सामने, मानव भूगोल स्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसने कहा? ब्लॉस, हंगटन, हम्बोल्ट या कू सैंपल? 14 का सही आंसर आएगा आपका डी, कू सैंपल ने कही बात। 15वां सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? किसकी बात? सौर प्रणाली, अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है ये सौर प्रणाली। गैलीलियो, जेलबेयर्ड, कॉपरनिक्स या कैपलर? 15 का सही आंसर रहेगा आपका सी, कॉपरनिक्स। ठीक है, 16वां प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? किसकी तरफ घूमने वाले? सूरज के, ठीक है, सूरज के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। शुद्र ग्रह, पुच्छर तला ग्रह, जल्दी बताइए इसका आंसर। सूरज के चारों तरफ घूमने वाले, 16 का सही आंसर रहेगा आपका डी, ग्रह ही कहलाएंगे वो भी, खगोलीय पिंड। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह, उपग्रह, शुद्र ग्रह या सौर तारा? 17 का सही आंसर रहेगा आपका बी, उपग्रह। देखो जैसे पृथ्वी है, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जो हमारी अर्थ है ये एक ग्रह है, किसके चारों तरफ घूमता है? सूरज के। और पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, उसी तरह ये बात हो रही है। ठीक है, 18वां प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी क्वेश्चन है। किसकी ग्रह की गतिविधियों कैसे पता लगा कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य चक्कर लगाती है, तो कौन 800 में लगाता है, कौन बहुतों को बहुत वो समय लगता है, बहुतों को कम भी लगता है, तो किसने प्रतिपादित किया? कैपलर, न्यूटन, कॉपरनिक्स, गैलीलियो? गैली। 18 सही आंसर रहेगा आपका ए, कैपलर ने कही बात। 19वां प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, काफी ज्यादा बड़े एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन, बट ये बच्चे इसको पढ़ते नहीं, ध्यान से नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 19वां सही आंसर रहेगा आपका सी, 89 इज द करेक्ट आंसर रहेगा अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। आज की ज्योग्राफी प्रैक्टिस सीट का आखिरी वीडियो, आखिरी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है? जो कहलाता है विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेली बेसिस पे इस तरह आपको ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट जैसे मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी पोर्टल में। धन्यवाद।